सब्सक्राइब कीजिए टेक्स्ट फॉर अभी चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल सके। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में टेक्स्ट फॉर अभी में। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा SHAREit फाइल शेयरिंग ऐप के बारे में, जिसमें आपको टिप्स ट्रिक्स एंड हैक्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों बहुत सारे फीचर्स जो SHAREit वालों ने आपको दिए हैं दोस्तों, उसके बारे में बताऊंगा मैं। आप सभी लोग को वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा दोस्तों लास्ट तक। और शुरू करने से पहले अगर आपने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों जो फर्स्ट स्टेप रहेगी वो दोस्तों रहेगी नाम और अवतार के बारे में। दोस्तों मतलब अपनी प्रोफाइल पिक्चर और अपने नेम के बारे में, प्रोफाइल नेम के बारे में दोस्तों बताऊंगा। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन में। दोस्तों सबसे पहले आपको SHAREit एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। दोस्तों इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसे ओपन करके देखिए। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, यहां पर दोस्तों अपनी एप्लीकेशन खुल जाएगी। दोस्तों यहां पर सबसे ऊपर की तरफ ही यहां प्रोफाइल का प्रोफाइल चिन्ह दिख रहा होगा। दोस्तों यहां पर आपको जाना है, क्लिक करना है दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपको यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपने नाम के बारे में भी पता चलेगा। दोस्तों यहाँ पर आप दबाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये जो नाम है, यहाँ पर दोस्तों आपका जो जीमेल से रहेगी दोस्तों वही खुला रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना नाम चेंज कर लेना है। यहाँ पर मैं नाम डाल दूँगा अभिषेक नाम डाल दूँगा। यहाँ पर दोस्तों आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर को कैसे चेंज कर सकते हैं दोस्तों, ये रहा जहाँ कैमरा बना। दोस्तों यहाँ पर दबाएंगे आप, यहाँ पर चूज़ फॉर एल्बम लिखा होगा दोस्तों, यहाँ पर चूज़ फॉर एल्बम में क्लिक कर दीजिए। दोस्तों मैं यहाँ पर चूज़ फॉर एल्बम में क्लिक कर दूंगा दोस्तों, और यहाँ पर आप जिससे भी लेना चाहें, मैं यहाँ फ़ोटो से लूँगा दोस्तों। तो यहाँ फ़ोटो से लेंगे यहाँ पर दोस्तों, आपकी सीधे फ़ोटो में घुस जाएगी। यहाँ पर आप यहाँ डाउनलोड पे दबाएंगे, मतलब जो भी आपको सेट करना रहेगा आप वो सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये सेट कर लेता हूँ, मैंने ये सेट कर लिया दोस्तों। यहाँ पर ये अपने आप सेट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एक और पिक्चर, आपको जितनी बड़ी फ़ोटो सेट करनी है उतनी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर दबा देंगे, ये देखिए दोस्तों सेव हो गया, इसको सेव कर लेंगे इस तरीके से। दोस्तों ये जो ट्रिक रहेगी दोस्तों ये रहेगी, आप अपनी फाइल को वो पीसी से कैसे शेयर कर सकते हैं दोस्तों, उसको पीसी में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, अपने SHAREit को फिर से ओपन कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर ये जो निशान दिख रहा है दोस्तों, जिसमें मैंने टिक लगाया है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके का वो निशान बनेगा, कनेक्ट टू पीसी दोस्तों लिखा है। यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे कनेक्ट पीसी, यहाँ पर दोस्तों सर्चिंग होने लगेगा ऑप्शन। अब ये जो दोस्तों नेक्स्ट वाली ये दोस्तों बहुत ही बढ़िया रहेगी आप लोगों के लिए दोस्तों, ये है ग्रुप शेयर। मतलब आप अपने ग्रुप में कैसे शेयर कर सकते हैं दोस्तों, जिस ग्रुप से आपको ज्वाइन होना उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं दोस्तों, और अपना खुद का ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों, और उसमें आप भेज सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको फिर से अपना एप्लीकेशन ऑन करना है दोस्तों। यहाँ पर वही वाले ऑप्शन में फिर से चले जाना है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन में जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको थर्ड नंबर का एक ऑप्शन दिखेगा ग्रुप शेयर। यहाँ पर दोस्तों आप ग्रुप शेयर में क्लिक कर देंगे तो ग्रुप शेयर में दोस्तों यहाँ पर आप अपना खुद का जो ग्रुप भी बना सकते हैं दोस्तों, अपना ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। जो भी आपको शेयर करना है दोस्तों, आप ग्रुप के ज़रिए शेयर कर सकते हैं दोस्तों, भेज सकते हैं उसमें दोस्तों। ये बहुत ही आसान रहेगा आप लोगों के लिए, यहाँ पर अपना खुद का ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों, आपको जैसे बनाना है वैसे आप बना सकते हैं। दोस्तों ये है हमारी नेक्स्ट ट्रिक दोस्तों, इसमें मैं आप अपने SHAREit से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन को शेयर नहीं करना चाहते हैं तो दोस्तों इसका भी इलाज है दोस्तों। आप अपनी नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हैं पूरी तरीके से, आपको नोटिफिकेशन बिल्कुल शो नहीं करेगा आपके नोटिफिकेशन स्क्रीन पे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, अपने SHAREit एप्लीकेशन से दोस्तों यहाँ जो 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको क्लिक करना हैगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका हमने कुछ दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके, मतलब जो दोस्तों आप अपनी सेटिंग पे चले जाना दोस्तों, यहीं से आपको ये रही सेटिंग दोस्तों, इसमें सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर सेटिंग में क्लिक करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे नीचे की तरफ ही आपको नोटिफिकेशन सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों, इसमें आपको क्लिक कर देना है नोटिफिकेशन सेटिंग दोस्तों। यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों आपको रिसीव नोटिफिकेशन, इसको आपको ऑफ कर देना हैगा दोस्तों इस तरीके से। और दोस्तों आप क्या करना है, आपको अपने बैक चले जाना हैगा, बैक जाने के बाद दोस्तों पूरा बैक चले जाइए, पूरा बैग जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना हैगा, पूरा बैग जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर SHAREit एप्लीकेशन को क्लिक करके रखना है। दोस्तों यहाँ ऐप इन्फॉर्मेशन में जाना है दोस्तों, ऐप इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर तीसरे नंबर पर नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ तीसरे नंबर पर नोटिफिकेशन का ऑप्शन में क्लिक कर देंगे दोस्तों। तो आपके जितने प्रीव्यू है नोटिफिकेशन दोस्तों, सब बंद करने का ऑप्शन यहीं पर रहेगा। यहाँ पर आपको टॉप प्रीव्यू ऑप्शन है, इसको भी बंद कर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिख रहा है इसको भी बंद कर दीजिए, अलाउ नोटिफिकेशन दोस्तों पूरा बंद हो चुका टोटली।
ये टोटली बंद हो जाएगा दोस्तों। और आपको अब क्या कर लेना है दोस्तों, अब जो भी शेयरइट से संबंधित नोटिफिकेशन है दोस्तों आपको नहीं आएंगे यहाँ पर, कुछ भी आपको शो नहीं करेगा। मतलब जैसे व्हाट्सएप पे जाते हैं कोई मैसेज करता था यहाँ ऊपर आ जाता है, लेकिन अब कुछ नहीं आएगा यहाँ पर दोस्तों। आप जो भी वीडियो देखना है देख सकते हैं, ऑनलाइन इसमें सब चलता हैगा। तो दोस्तों ये रही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो दोस्तों आपके काम आ सकती है, कि दोस्तों अभी भी आपके काम आ सकती है दोस्तों। जिनको नहीं मालूम उनको मालूम चल गया SHAREit एप्लीकेशन के बारे में दोस्तों। बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है ये, बहुत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों अभी आप इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए दोस्तों। इसमें कुछ बदलाव चेंजेस के कारण दोस्तों ये भी और भी अच्छा हो चुका है। जल्दी से इसे डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों, और इसके टिप्स ट्रिक्स एंड हैक्स के बारे में आप जान सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ लाइक ठोक दीजिए, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।